अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? तो यार बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि आप पाकिस्तान से टर्की एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आपको ये सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से टर्की में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे। और उससे पहले एक छोटा सा काम करना, मैं पहले वो कर लूँ। अच्छा, तो यार नाश्ता जो है वो भी तो ज़रूरी है, ज़ाहिर है। तो ऐसा है कि यार अगर आप एक्चुअली टेबल के नीचे हमारा क्रिकेट का सामान पड़ा होगा तो वो मुझे तंग कर रहा है। खैर, अच्छा, तो यार ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान से टर्की स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। अगर आप तो सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे बैचलर्स के लिए आएंगे तो बैचलर्स के लिए आपको 4 डिग्रीज जो हैं वो अटेस्ट और वेरीफाई करानी पड़ेंगी। सबसे पहले आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबसे पहले आपने अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाने, बोर्ड से वेरीफाई करवाने, जो भी आपका बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है, वहाँ से आपने करवाने वेरीफाई। वेरीफाई कराने के बाद आपने यही 4 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है IBCC के ऑफिस में, और IBCC के ऑफिस से आपने अटेस्ट करवाने हैं, और अटेस्ट करवाने के बाद आपने यही 4 डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। तो ये ज़रा ना एक प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का। तो आजकल तो IAC ऑनलाइन कर दिया है ना सब कुछ, तो आप ऑनलाइन प्रोसीजर भी देख लें। एक कोई वेबसाइट होगी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आपने वहाँ पे जाके अपने अप्लाई करना है और TCS के थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट और वेरीफाई हो जाएंगे। एक बात दूसरा ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स ये तो कंपलसरी हैं, और साथ आपकी बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट होगी HEC से। तो मास्टर्स के लिए आपके होंगे 5 डॉक्यूमेंट्स और बैचलर्स के लिए होंगे आपके 4 डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मामा का नाम, बाबा का नाम, ये कुछ जो हैं ज़रूरी हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप CNIC के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक के लिए। जब आपका पासपोर्ट आ जाए तो यू हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद अच्छा प्रोसीजर ये है कि आप अप्लाई कर देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली मैंने ख़ुद अपने ना एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट की है Dreamsky एडवाइजर्स के नाम से। तो सारे प्रोसीजर्स जो हम एक हमारी टीम है सारा काम वही करती है। आपके डॉक्यूमेंट्स हम आपसे ले लेंगे और अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटीज़ में। उससे कुछ टाइम बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑफ़र लेटर्स आने रिसीव हो जाएंगे। अच्छा यार, ऑफ़र लेटर आने के बाद आपको तकरीबन $1,000 जो है वो यूनिवर्सिटी में फ़ी पे करनी पड़ती है, उसे कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट, जो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का सेम है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको $1,000 लाजमी पे करना पड़ेगा, और अगर आप आ रहे हैं मास्टर्स के लिए तो वो क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। आप पूरी फीस इकट्ठे जमा करा सकते हैं, उसको 2 हिस्सों में जमा करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में $1,000 आपको हर सूरत जमा करवाना है। एक बात दूसरा ये कि ऑफ़र लेटर के बाद फीस जमा करवानी होती है। फीस जमा करवाने के बाद आपको 3-4 दिन में यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर भेज देगी। एक्सेप्टेंस लेटर हमें तक आएगा, हम आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे। उससे ऊपर ये लिखा होगा कि फ़लाँ नामी बंदा, उसने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ीस जमा करवाने के बाद अपनी सीट सिक्योर कर ली है। तो एक्सेप्टेंस लेटर का फ़ायदा ये है कि आपको एम्बेसी जो है ना वो एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर वीज़ा नहीं देगी। अब एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपने वीज़ा के कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने, इकट्ठे करने।
वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चार पांच डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका रिजर्वेशंस होंगी, जिसमें आपके कुछ कवरिंग लेटर्स होंगे, और दो तीन और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीज़ा के दौरान। वीज़ा फाइल करने के लिए आपको सिंपली अंताली ऑफिस जाना है। आप इस्लामाबाद में है, IAS लाहौर में है, कराची में भी है, तो किसी भी एक अंताली ऑफिस में आप चले जाएं। वहाँ पे आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और क्लोजिंग अमाउंट जो है वो तकरीबन होनी चाहिए 15 से 20 लाख के दरमियान। कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा हो उतना बेहतर है। अब बैंक स्टेटमेंट तैयार होगी, उसके बाद आपका अगर तो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं कोई भी, आपके मामा बाबा बहन भाई, ये ज़रूरी है कि कोई ब्लड रिलेशन आपको स्पॉन्सर करे, तो आपकी FRC लगेगी। उसके बाद आपको एक लगानी पड़ेगी, अगर आपके मामा बाबा कोई भी जो आपका स्पॉन्सर है वो अगर सरकारी मुलाजिम है तो सैलरी स्लिप्स लगेंगी। उसके बाद आपकी जो है वो इंश्योरेंस लगेगी, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगी, आपकी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम आपको देंगे। तो एक कंप्लीट फाइल तैयार करने के बाद हम आपको भेजेंगे अंताली ऑफिस में। अंताली ऑफिस में जाने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवा देने हैं, और फिर इंतज़ार करना है वीज़ा का। अब ऐसा है कि या तो ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और या नहीं बुलाते। कभी कभी कॉल आ जाती है कि फ़लाँ दिन आ पाए इंटरव्यू देने के लिए, और कभी कभी जो है वो कॉल नहीं भी आती। तो कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं है टर्की का। आपसे बस पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, और टर्की जाने की वजह क्या है। तो बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, और वहाँ पे ना आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, इंसान जा रहे हैं वैसे इंटरव्यू है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। टर्की का इंटरव्यू कोई बहुत हाई हाई फाई नहीं होता। एनीवेज, एक आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको अगर देखें अगर तो आपको ना डॉक्यूमेंट्स आपके सही तैयार हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट पूरी है, आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिकली तैयार किए गए, तो आपका वीज़ा बहुत लगने के चांसेस हैं। एनीवेज, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो इन रहा है, केस अगर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो आप 24 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से। कोई इसमें ना इशू नहीं है। अब वीज़ा लग गया आपका, आपका एडमिशन हो गया, आपका टिकट हो गया। टिकट होने के बाद आप पहुंचते हैं टर्की। तो टर्की में ये सीन है कि आपको आते साथ ही अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करानी पड़ेगी। उसकी सीन ये है कि आपको ना जो आपकी बकाया फ़ीस है, लेट से आपकी फ़ीस है $3,000, उनमें से $1,000 आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया है और पीछे बचा $2,000। तो यहाँ पे आने के बाद आपने एक साल का वो जो $2,000 है उसका कुछ हिस्सा, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं और कुछ जो है वो नहीं करती। आपने फ़ीस जमा करवा दी, रजिस्ट्रेशन होगी, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे कहते हैं ऑरेंजी बिलगी स्टूडेंट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट लेके आपने सबसे पहले काम करवाना है अपना ट्रांसपोर्ट कार्ड। ट्रांसपोर्ट कार्ड एक ब्लू कार्ड है जो बनना जिसका बनना बहुत ज़रूरी है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए वो एक बहुत बेनिफिट चीज़ है। आपका अगर लोकल आप ट्रैवल कर रहे हैं रेड कार्ड पे, तो वो पैसे आपके बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो स्टूडेंट्स को ज़रा सी यहाँ पे ये सहूलत है कि एक ब्लू कार्ड मिलता है आपको, तो उस कार्ड पे मंथली पैकेज करा के आप ट्रैवल कर सकते हैं इस्तांबुल में। सेकेंडली, आपको TRC अप्लाई करनी है। तो TRC के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद एड्रेस रजिस्ट्रेशन होगी जिसको यहाँ पे नफूस कहते हैं, और आपका टैक्स पेड, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अदर देन दैट आपका यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स। तो ये एक कंप्लीट फाइल तैयार करने के बाद आपकी TRC अप्लाई होती है, और TRC आने के बाद आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान से टर्की एज अ स्टूडेंट आ सकते हैं, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, या मैं अपनी कंपनी की ईमेल दे देता हूँ। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, जिसे आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दिया जाएगा, और एक अच्छी गाइडेंस के साथ आपको बताया जाएगा कि आप पाकिस्तान से टर्की कैसे आ सकते हैं।
होप सो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है, कुछ आपने पूछना हो, तो आप बिल्कुल लाजमी पूछ सकते हैं मुझे, फील फ्री टू आस्क। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना इंस्टाग्राम, अपनी फेसबुक, मैं जो सारे अकाउंट्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और आप जब भी कभी आपने कुछ पूछना हो, तो आपने जब भी कभी कोई सवाल पूछना हो किसी भी हवाले से, तो आप लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा उस पर। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।